हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैनी ऑफ आवर व्यूअर्स हैज़ रिक्वेस्ट अस फॉर एन इंग्लिश सब टाइटल। फॉर देम वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू चैनल मी एंड माई क्रिएशन। सो टू लुक दिस वीडियो इन इंग्लिश वर्जन, प्लीज़ लुक टू अवर न्यू चैनल मी एंड माई क्रिएशन। यू विल गेट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं नेट ड्रेस विथ बेल स्लीव्स। बेल स्लीव्स आजकल बहुत ट्रेंड में है और ये बहुत ईजी है बनाना, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। यह है वो फैब्रिक जो हम यूज़ करने वाले हैं। नेट जो है वो 2 मीटर का कपड़ा है और ये हम अस्तर में यूज़ कर रहे हैं। ये 1.5 मीटर का कपड़ा है। इसमें आप अस्तर यूज़ करते वक्त ध्यान रखें कि आपका अस्तर थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, बहुत पतला होगा तो इससे सही ड्रेस नहीं बनेगा। तो सबसे पहले हम ये जो अस्तर का कपड़ा है उस पर मार्किंग करेंगे और उसी कपड़े को इस मेन कपड़े पर रख के कटिंग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी मार्किंग। तो सबसे पहले लेते हैं अस्तर का कपड़ा, चलिए इसे फोर फोल्ड करते हैं। अब ये देखिए कपड़े को हमने फोर फोल्ड किया हुआ है। ध्यान रहे हमारा मेन कपड़ा नहीं है, अस्तर का कपड़ा है। मार्किंग शुरू करते हैं। शोल्डर हम लेंगे 7 इंचेस, आर्म होल भी लेंगे 7 इंचेस और यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जहाँ पे हमारे आर्म होल की लाइन ख़त्म होती है वहीं से शुरू होगी हमारे चेस्ट की लेंथ। हमने देखिए कपड़ा हमने फोर फोल्ड किया हुआ है, तो आपकी जितनी भी चेस्ट साइज है उसका 4th पार्ट कीजिए और उसमें 2 इंचेस स्विंग अलाउंस ऐड कर दीजिए। तो देखिए मैं यहाँ पे 11 इंचेस ले रही हूँ। चेस्ट का 4th पार्ट किया हमने तो आता है 9, हमारी 36 की चेस्ट है, 4th पार्ट किया आया 9, 2 इंचेस स्विंग अलाउंस यानी 11 इंचेस पे मार्क कर दिया। अब हम मिलेंगे यहाँ से 15 इंचेस, ये है हमारी कमर की लेंथ। ये हो गई कमर की लेंथ। अब कमर की ब्रेथ हम लेंगे, देखिए ऊपर हमने 11 लिया था तो हम यहाँ पे लेंगे 10 इंचेस, हमेशा हम 1 इंच कम लेते हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स को आप जॉइंट कर लेते हैं, कमर का और चेस्ट का पार्ट। ये पार्ट हमने जॉइन कर लिया। कमर की मेजरमेंट के बाद आती है हिप्स की बारी। हिप्स की लेंथ है हमारी 20 इंचेस, ये वो लेंथ है जहाँ से हिप शुरू होते हैं। अब हम यहाँ से लेंगे 12 इंचेस, जैसे हमने चेस्ट के लिए किया था 4th पार्ट प्लस 2, वैसे ही यहाँ करेंगे। चेस्ट का 4th पार्ट करना है आपको और उसमें 2 इंचेस ऐड कर देना है। अब इन दोनों पॉइंट को जॉइन कर लीजिए। नीचे से हम थोड़ा सा फ्लेयर लेने वाले हैं तो हम इसे क्रॉस में ही ले जा रहे हैं। आपको जितना फ्लेयर चाहिए आप उतना ड्रॉ कर दीजिए। तो देखिए ये हो गई हमारी मार्किंग। अब हमारी नेक की मार्किंग करते हैं हम। याद रखिए नेक हमेशा आपको फोल्डेड एरिया पे ड्रॉ करना है। यह है 3 इंचेस की ब्रेथ। लेंथ ले रहे हैं हम 6 इंचेस की, ये 6 इंच पे मार्क कर दिया, ये 6 इंच की लेंथ। अब इन दोनों पॉइंट को हम राउंड शेप देके जॉइन कर लेते हैं। अब नेक कोई भी शेप का बना सकते हैं। ये हमने राउंड शेप दे दिया। अब बारी आती है आर्म होल ड्रॉ करने की। आर्म होल के लिए जो हमारा 7 इंच लिया है उसका हाफ करेंगे। अब जितना भी ले रहे हो बस उसका हाफ कर देना है आपको, तो ये आता है 3.5। अब हम फ्रेंच कर्व की मदद से ड्रॉ कर लेते हैं। जहाँ हमने 3.5 मार्क किया वहाँ से हम कर्व लेंगे, ये हो गया कर्व। और दूसरा कर्व हम 1/2 इंच अंदर से लेंगे, ये होगा हमारा फ्रंट पार्ट का आर्म होल। इन दोनों के बीच में अप्रोक्स 1/2 इंच का गैप होना चाहिए। देखिए ये दोनों आर्म होल हमारे ड्रॉ हो गए हैं। तो सारी मार्किंग हमारी हो गई है, मैं एक बार आपको सही से दिखा देती हूँ। ये देखिए अब हम इसे कट कर लेते हैं। कटिंग करने से पहले हम ड्रॉ करते हैं बैक का नेक। ये ले रहे हम 2 इंचेस की लेंथ का और इन दोनों पॉइंट को भी जॉइंट कर रहे हैं। ये जो छोटा वाला नेक बनाया है वो बैक का है और फ्रंट वाला है वो नीचे बड़ा वाला है। तो जब हम कटिंग करेंगे तो सबसे पहले जो हमने छोटे छोटे ड्रॉ किए हैं आर्म होल और नेक वो कट करेंगे। ये कटिंग हो गई हमारी बैक पार्ट की। अब फ्रंट पार्ट का कट करने के लिए अंदर से हम एक कपड़ा हटा देंगे। जो कपड़ा हम जो पार्ट हम हटा रहे हैं वो बैक का पार्ट है हमारा। इस तरीके से निकाल लीजिए और फ्रंट के पार्ट को वापस एडजस्ट करना है।
अब हम नेक और आर्म होल हमारा कट कर देंगे, ये हमारा फ्रंट का पार्ट है। हो गई हमारी कटिंग। अब इन दोनों कपड़ों को हम सीधा मेन कपड़े पे रख के कट कर लेंगे। अब बस हमें मेन कपड़े पे हमें जितनी लेंथ चाहिए उतना ही एडजस्ट करना है। ये देखिए, हमने जो अस्तर कट किया था उसे मेन फैब्रिक पे रखा है। ध्यान रखिए फोल्डेड एरिया पे आपको मेन का भी फोल्डेड एरिया ही रखना है। अब जैसे मैंने कहा था, हमें सिर्फ लेंथ एडजस्ट करनी है। हमें लेंथ चाहिए है 40 इंचेस की। 2 इंच हमने स्विंग अलाउंस ऐड किया है तो हो गया 14 इंचेस है। तो ये देखिए 14 इंच पे हमने रख दिया है। अब बस हम इसे कट कर लेंगे। इसी तरीके से आप भी अस्तर को मेन कपड़े पे रख दीजिए और दोनों पार्ट कट कर लेना है। ये जो बची हुई नेट है उसमें से हम बनाएंगे हमारी स्लीव्स। हमारी स्लीव्स होगी बेल स्लीव्स, लेकिन उसके लिए हमें पहले स्ट्रेट आएगी और उसके बाद बेल आएगा। तो जो स्ट्रेट पार्ट है वो पहले हम कट कर लेते हैं। हम ले रहे हैं लेंथ 13 इंचेस की। ये 13 इंचेस की लेंथ हो गई। और अब देखते हैं ब्रॉडनेस। ब्रॉडनेस हम ले रहे हैं 10 इंचेस की। अब हम इसे लाइन बना दी। अब देखिए कैसे पता लगेगा कि आपको ये 10 इंचेस ही लेना है, तो उसके लिए हम एक मेथड दिखाते हैं आपको। ये शॉर्टकट मेथड होगी आपके लिए। इसके लिए हमने जो ऑलरेडी कट करके रखा हुआ है, ये देखिए हमने अस्तर पे कट किया था आर्म होल। अब इसको इस पे रफली रख के देख लीजिए। ये देखिए ब्रॉडनेस सही आ रही है, मतलब हमने जितना कपड़ा लिया है वो बिल्कुल सही है। इसी तरीके से आपको रफ आइडिया मिल जाएगा कि आपको कितनी ब्रॉडनेस लेनी है स्लीव्स में। अब यहाँ से हम ले रहे हैं 3 इंचेस नीचे। अब भी 3 इंचेस ले लीजिए, सही बैठेगा आपका। और नीचे जो स्लीव्स जहाँ पे ख़त्म हो रही है वहाँ की ब्रॉडनेस हमें 5 चाहिए है, तो हम ले रहे हैं 6 इंचेस। अब हमें ये पॉइंट से जो हमने 3 पे मार्क किया है उसे ज्वाइन करते हैं। ये देखिए ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करना है। जब मैं कट करूँगी आपको मार्किंग ज़्यादा अच्छे से दिख जाएगी। तो चलिए अब ऊपर का शेप देते हैं। तो ये जो 3 इंचेस हमने ड्रॉ किया है वहाँ से थोड़ा सा कर्व लेके आपका ये हो गया पहला शेप। अब जैसे हमने आर्म होल में 1/2 इंचेस का कट किया था आर्म होल, वैसे ही इसमें भी 1/2 इंचेस जितना गैप रख के ये शेप दे देंगे। ये शेप है आपका परफेक्ट स्लीव्स का। तो चलिए इसे कट करते हैं। पहले बाहर का ही कट करना है आपको। अब हम इसे खोल देंगे। ये देखिए हमने खोल दिया है, ये दोनों पार्ट है हमारे। अब हमने जो 1/2 इंच ड्रॉ किया है वो कट करेंगे। जो हम ये कट कर रहे हैं, याद रखिए वो स्लीव्स वाला पार्ट आपको फ्रंट में ही लगाना है, तभी आपकी स्लीव सही से बैठेगी। तो ये कट हो गई हमारी स्लीव्स। अब हम इसके नीचे हैं वहाँ पे बेल स्लीव्स बनाएंगे। अब स्लीव्स में बेल बनाने के लिए देखिए हमने जो फर्स्ट पार्ट काटा था स्लीव्स का उसे लेंगे। और ये कपड़ा जो है हमारा 4 फोल्ड है। तो ये भी हमारी स्लीव्स भी हमने जो कट की थी वो ले लेते हैं। अब ये रही, ये देखिए स्लीव्स भी 4 फोल्ड है और ये कपड़ा भी हमारा 4 फोल्ड है। हमने ऐसे तरीके से इसे एडजस्ट कर दीजिए। अब बेल स्लीव की लेंथ हमें चाहिए 13 इंचेस। तो हम 13 इंचेस पे पहले मार्क कर लेते हैं। ये जो 13 इंचेस है वो स्विंग अलाउंस के साथ है। आपको जितनी लेंथ चाहिए उसमें 2 इंच ऐड करके आप ले लीजिए। तो ये हमारी 13 इंच की मार्क हो गई। तो देखिए अब हमें ये जो 13 इंचेस की लेंथ है वहाँ से लेकर हमने जो स्लीव्स रखी है वहाँ तक पॉइंट ज्वाइन करना है और लाइन ड्रॉ कर देनी है। बस ये हमारी स्लीव्स का बेल शेप हो गया है। तो अब हम इसे कट कर लेते हैं।
इसका नीचे का जो फ्लेयर है वो आप जितना चाहे उतना ले सकते हैं, आप चाहे तो कम भी ले सकते हैं, आप चाहे तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। ये देखिए हमने वो है जो स्लीव्स कट कर ली है। तो चलिए अब बढ़ते हैं सिलाई की ओर। तो सबसे पहले हम इसमें शोल्डर फिटिंग करेंगे। शोल्डर फिटिंग के लिए ये देखिए हमारा अस्तर है, उसका ये राइट पार्ट है, उसके ऊपर दूसरे अस्तर का रॉन्ग पार्ट, यानी कि दोनों राइट पार्ट को हम मिला रहे हैं और इस तरीके से पहले दोनों शोल्डर को फिट कर दीजिए। जैसे हमने अस्तर में किया उसी तरीके से ये देखिए इसका भी दोनों राइट पार्ट को मिला लीजिए और दोनों शोल्डर पे सिलाई लगा दीजिए। ध्यान रखिए हम यहाँ पर दोनों नेट और दोनों अस्तर पे अलग अलग शोल्डर फिट कर रहे हैं। ये देखिए हमने शोल्डर का पार्ट फिट कर दिया है और इसी तरीके से अस्तर का भी ज्वाइन कर लिया है। अब ये देखिए जो हमारा मेन कपड़ा है नेट का, उसे हमने सीधा रखा हुआ है, ये हमारा राइट पार्ट है, और उसके ऊपर हमारा जो अस्तर है उसका रॉन्ग पार्ट रखेंगे इस तरीके से। अब पूरे नेक को अच्छे से मिलाइए। अब इस तरीके से अगर बनाते हैं नेट में तो आपका जो शोल्डर है वहाँ की आपकी जो जॉइनिंग है वो बिल्कुल दिखेगी नहीं, वो अंदर चली जाएगी। तो जब भी नेट का करें आप इस तरीके से करें तो आपकी फिनिशिंग शोल्डर की बहुत अच्छी आएगी। अब देखिए इसे हम पिन से सिक्योर कर लेते हैं। ये देखिए हमने पिन से सिक्योर कर लिया है। अब हम पूरे राउंड में सिलाई लगाएंगे, ये हमारा नेक पार्ट बन जाएगा। इसी तरीके से पूरे में आप सिलाई लगा दीजिए। ये देखिए हमने पूरे राउंड में सिलाई लगा दी है, दोनों नेक बन गए हैं। अब हम नॉचेस लगाएंगे। नॉचेस लगाते वक्त ध्यान रखिए आपकी सिलाई ना कटे। इसी तरीके से पूरे नेक में नॉचेस लगा दीजिए। नॉचेस लगाने के बाद अब हम इसे सीधा कर देते हैं। तो इस तरीके से आपको पूरे को नेक के अंदर से पास करना है। इसी तरीके से दूसरे पार्ट को भी नेक के अंदर से पास कीजिए और सीधा कर लीजिए। ये देखिए हमने इसे सीधा कर दिया है। अब दिखाते हैं आपको शोल्डर। ये देखिए यहाँ पर भी आपको इस तरीके से मिलेगा। आपका जो सिला हुआ पार्ट है वो दिखेगा नहीं दोनों तरफ से, इससे आपकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। और अब हमारा नेक बन गया है। अब हमें कवर सिलाई लगानी है नेक पे, तो आगे और पीछे दोनों के नेक पे पूरे राउंड पे आप कवर सिलाई लगा दीजिए। कवर सिलाई यानी बस आपको एकदम नज़दीक से सिलाई लगानी है ताकि ये नेट और अस्तर का कपड़ा अच्छे से सेट हो जाए। नेक बन जाने के बाद अब बारी आती है स्लीव्स बनाने की। तो ये देखिए हमने जो अपर पार्ट काटा था स्लीव्स का वो हमने राइट पार्ट रखा हुआ है। अब हम इसके ऊपर हमने जो बेल शेप कट किया था उसको उल्टा रखेंगे इस तरीके से। दोनों राइट पार्ट को अच्छे से मिला लीजिए और यहाँ पर आप सिलाई लगा दीजिए। इसी तरीके से दूसरा पार्ट भी तैयार कर लीजिए। ये देखिए दोनों पार्ट को हमने जॉइन कर लिया है। अब हमारी ये जो बॉर्डर है स्लीव्स की उसको हम टू फोल्ड करेंगे नीचे से। तो इस तरीके से आप डबल फोल्ड कर दीजिए और पूरे में सिलाई लगा देनी है हमें। और इसी तरीके से हम दोनों स्लीव्स तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमने दोनों पार्ट पे नीचे से सिलाई लगा दी है और हमारी स्लीव्स तैयार है लगाने के लिए। अब हमने जो स्लीव्स बनाई है उसे यहाँ पर लगाने की बारी आई है। तो ये देखिए हमारी स्लीव्स को हमने टू फोल्ड किया है। अब ये हमारा बीच का पार्ट है, उस पर हल्का सा नॉच लगाएंगे। ये देखिए ये हमारा मिडल पार्ट हो गया। अब देखिए ये जो हमारा एक पार्ट है वो अंदर से है, मतलब वो होगा हमारे फ्रंट का पार्ट। तो इस पार्ट को हम ये वाले फ्रंट पार्ट पे ही लगाएंगे। तो चलिए ये देखिए हमारा जो मेन पार्ट है वो सीधा है, राइट पार्ट है, और उसके ऊपर ये स्लीव्स उल्टी रखी है हमने। हमने जो नॉच लगाया था उसको शोल्डर के साथ मैच करना है हमें। हमेशा आप जब भी स्लीव्स लगाएं बीच से ही शुरू करें, तब आपकी स्लीव्स एकदम सही से बैठेगी। इस तरीके से दोनों साइड पर सिलाई लगा दीजिए। ध्यान रखिए नॉच हमारा बीच में शोल्डर के पार्ट पे रखना है और दोनों तरफ सिलाई लगा दीजिए। इसी तरीके से इस साइड पे भी स्लीव्स लगा देनी है हमें। ये देखिए हमने स्लीव्स अटैच कर दी है। अब देखिए हमने जो जब सिलाई लगाई तो ये जो सिलाई वाला कपड़ा है वो आपके स्लीव्स से दिख रहा है। तो इसके फिनिशिंग के लिए हम आपको दिखाते हैं इसको कैसे करना है। तो देखिए अब हम इसे उल्टा करके आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए कपड़े को हमने उल्टा किया।
अभी हमारी सिलाई है, देखिए इसे कैसे फोल्ड करना है। तो पहले एक छोटा फोल्ड और उसके बाद इस फोल्ड को इस कपड़े पे लगा दीजिए। इस तरीके से आप डबल फोल्ड कीजिए और यहाँ पर सिलाई लगा दीजिए। ध्यान रखिए आप जो फोल्ड कर रहे हैं वो स्लीव्स की तरफ नहीं करना है, हमें अस्तर वाले कपड़े की तरफ करना है। इस तरीके से फोल्ड कीजिए और सिलाई लगा दीजिए तो आपकी स्लीव्स के बाहर कुछ भी नहीं दिखेगा और फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। ये देखिए हमने स्लीव्स पे ये सिलाई लगा दी है तो अब हमारी स्लीव्स अच्छी लग रही है। ये देखिए पीछे से दिखाते हैं हम इसको, फिनिशिंग भी अच्छी आ गई है और स्लीव्स भी सही से बैठ गई है। अब देखिए हमारा ड्रेस हमने उल्टा रख दिया है, अब हम नीचे के बॉर्डर फोल्ड करेंगे। तो सबसे पहले हम नेट के बॉर्डर को इस तरीके से डबल फोल्ड कर दीजिए। इसी तरीके से दूसरे साइड की नेट को भी डबल फोल्ड कर दीजिए और जैसे हमने इसको डबल फोल्ड किया है उसी तरीके से हम अस्तर की बॉर्डर को भी डबल फोल्ड करेंगे। अस्तर की बॉर्डर को भी इस तरीके से आप डबल फोल्ड कर दीजिए और सिलाई लगा दीजिए। इसी तरीके से फ्रंट और बैक दोनों पर हमें बॉर्डर पे डबल सिलाई लगा देनी है और उसके बाद लास्ट में बारी आएगी हमारी फिटिंग करने की। तो देखिए एंड में फिटिंग के लिए हमारी चेस्ट 36 की है, उसका हाफ करेंगे तो आएगा 18 इंचेस और 1 इंच हम लूजिंग के लिए ले रहे हैं, मतलब 19 इंचेस हमें लेना है। तो यहाँ से हम मार्क कर देंगे 19 इंचेस के लिए। उसी तरीके से अब हमारे कमर पार्ट पे चलते हैं तो वहाँ पे हम ले रहे हैं कमर 15 इंच पे, तो ये रहा हमारा 15 इंचेस। कमर है हमारी 32, इसका हाफ करते आता है 16, उसमें हम 1 इंच लूजिंग का ऐड कर रहे हैं, होता है 17, तो 17 पे मार्क करेंगे हम। और अब इसी तरीके तो चलिए लेंथ के लिए हम हिप्स की लेंथ ले रहे हैं 20 इंचेस पे, तो ये 20 इंचेस पे मार्क कर दिया। हिप्स है 38 के, उसका हाफ आता है 19, 1 लूजिंग के लिए मतलब 20 इंचेस, तो ये 20 इंचेस हमने ले लिया है। अब इन सारे पॉइंट को बस ज्वाइन करना है। इसी तरीके से नीचे तक आप पूरे में फिटिंग कर दीजिए। बस ये हो गई हमारी फिटिंग की, अब इस पे हमें सिलाई लगानी है। स्लीव्स पे भी देखिए यहाँ से हम मार्क करते हुए नीचे तक जाएंगे और नीचे हमें फिटिंग नहीं करनी है क्योंकि ये तो हमारा फ्लेयर है, तो बस इस तरीके से सीधे से आप सिलाई लगा दीजिए। इसी तरीके से दोनों स्लीव्स की भी फिटिंग कर देनी है हमें। तो देखिए तैयार है हमारा नेट ड्रेस विद पर्ल स्लीव्स। तो देखिए तैयार है हमारा नेट ड्रेस विद बेल स्लीव्स। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर आपने ये ड्रेस बनाया है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कैसा बना है। अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम आगे भी अच्छे अच्छे वीडियो आप तक लाते रहें। थैंक यू।